तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. मैं आज जा रहा हूँ चोपटा तुंगनाथ. पहले मैं जा चुका हूँ 2019 में, लेकिन 5 साल बाद दोबारा जा रहा हूँ. तो सोचा एक बार दोबारा से एक केदार और कर लिया जाए. आफ्टर डेट इसके बाद हम रुद्रनाथ या मध्यमेश्वर, इसमें से कोई भी होगा वो करेंगे. बट आज तो मैं जा रहा हूँ तुंगनाथ. तो मैं सुबह निकला था घर से 5 बजे. तो आप वो जर्नी देखिए, उसके बाद हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं. सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. अभी घर से निकलते हुए 5 ही बज गए हैं और मैं अभी निकल रहा हूँ. तो देखते हैं, आज मैं जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ चोपटा तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने. और लेते हैं प्रभु का नाम. जय बजरंग बली हनुमान की जय. और देखते हैं किस टाइम तक पहुँच पाते हैं. पहले तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है. ये 19805 है. देखते हैं किस टाइम तक कितना रन होता है. सो दोस्तों, अभी मैप लगाया है तो 396 किलोमीटर दिखा रहा है 9 घंटे तकरीबन, यानी कि 2:48 में तकरीबन 3 बजे तक पहुंचेंगे. सो दोस्तों, 5:30 हो चुके हैं सुबह के. सूर्य देवता भी आ चुके हैं. ये देखिए, खैर आप नज़ारा देखिए, आनंद लीजिए रास्ते का. और रुड़की यहाँ से 17 किलोमीटर रह गया है और टाइम हुआ है 7:15. लो जी भैया, रुड़की भी आ गया. रुड़के वालों गुड मॉर्निंग. 7:30 हो गया, उठ जाओ. सूरज देखे कहाँ पे चढ़ चुका है. सो हरिद्वार वालों गुड मॉर्निंग. 7:59 हुए हैं, जग जाइए. लीजिए जी, ऋषिकेश की तरफ भी बढ़ चुके हैं. ऋषिकेश वालों उठ जाओ, 8:15 हुए हैं. गुड मॉर्निंग. ये जो आसपास पेंटिंग बनी हुई है ना, ओ ये लीजिए जी, जाम. हेलो जी, ये जब शिवपुरी की तरफ जाते हैं ना, तो ये जाम है. ए मेरे यार, बच्चों की वेकेशंस भी चल रही है ना, तो उसके कारण भी इतना जाम है. सो दोस्तों, ये जाम था. बद्रीनाथ 291 का था ना, 223. ऋषिकेश का जाम छोड़ के ऊपर आ चुके हैं. और ये देखिए, मौसम थोड़ा सा धुंधला है, दरक रहा था पहाड़, अभी ऊपर से मिट्टी गिरी रही थी. तो अभी जो मौसम है ना दोस्तों, हल्का सा गर्म तो है पर इतना नहीं है जितना नीचे था. अभी थोड़ा थोड़ा मौसम आगे जैसे जाते जाएंगे ना, तो ठीक होता चला जाएगा. श्रीनगर 69, गोरेकुंड 178, 183 गरसैन बद्रीनाथ 263. देखेंगे ना दोस्तों, जहाँ पे थोड़ा हरियाली है ना पहाड़ों पे भी, वहाँ पे भी मौसम आपको अच्छा मिलेगा, मतलब गर्मी नहीं है. और अभी जैसे ना उत्तराखंड में जो सूखी घास होती है ना, उसको चराने के कारण ये जो है ना क्लियरेंस नहीं है. अभी पहले ही लिखा हुआ है पत्थर गिरने का, वजह थोड़ा सावधानी से चले. ठीक है, अभी है ना चढ़ाई बढ़ रही है धीरे धीरे. हेलो दोस्तों, यहाँ पे अब ऊंचाई बढ़ने लगी. देखिए गंगा जी, जो लैंडस्लाइड जोन होता है ना, वहाँ से तो आप जितनी जल्दी निकल लो उतना अच्छा है. लिखा हुआ है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र.
लैंडस्लाइड जोन पहले ही लिखा हुआ है। ये है तोता घाटी, ये भूरे बाबा जी का मंदिर भी है यहाँ पे। जैसे सो दोस्तों, देवप्रयाग भी पहुँच गए हम। देवप्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखिए देवप्रयाग, लोग नहा रहे हैं। और ये है संस्कृत विद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। आपको वैसे दिखाता हूँ फ़ोन से। वो दोस्तों वहाँ से जाके ऊपर से ये यहाँ पे ऊपर आएंगे। हमने गाड़ी जा रही है ना HR20 AC 1580, मतलब फॉर्च्यूनर गाड़ी ले रही है, लेकिन इतना तमीज नहीं है कि हम पहाड़ों पे ऐसे गन ना फेंके। अभी अभी कैन, कोक की कैन इन्होंने बाहर फेंकी है, इसमें गाड़ी में नहीं रखी। मतलब आते हैं यहाँ पे और गंद खिंडाते हैं। ये देखो गंगा जी का रूप, ये है श्रीनगर। और ये देखो यहाँ पे, मतलब इंसान ने कितनी छोटी कर दिया गंगा जी। लो जी भैया, श्रीनगर भी क्रॉस कर दिया है। 12:19 हुए हैं। ओह, लो जी गंगा भैया के दर्शन करो। ओह देखो कितना लैंडस्लाइड एरिया, ये सारा लैंडस्लाइड एरिया है। रुद्रप्रयाग भी बस आ ही गए। एक्सीडेंट हो गया है कहीं पे। के लिए तो हमें सीधे ही जाना है केदारनाथ के लिए। इधर तो हमें बद्रीनाथ वाले रूट पे मुड़ना है फोर्ट चौपटा। ये केदारनाथ जी के लिए ही जाती है। Oh my gosh! केदारनाथ, गुप्तकाशी और कुंड और चौपटा के लिए हमें राइट होना है। ये ऊंची जहाँ से गाड़ी आ रही है इस वे से, ये हमें चौपटा तुंगनाथ ले जाएगी। ज़्यादा महंगा नहीं है, हाँ शरीर के ऊपर थोड़ा बोझ तो लगता है, बट हाँ फिर भी ठीक है, अच्छा है। वो अब आने शुरू होंगे और आपको भी दिखाऊंगा और खुद भी आनंद दूंगा और आपको भी आनंद दिलवाऊंगा घर बैठे बैठे। अरे यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, देखते दो पर सब्सक्राइब नहीं कर दे। ये देखिए हाइट, मतलब जैसे ही आप आते हैं ना हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है और आपको ठंडक का एहसास भी खुद ही होगा। एक भैया मिले थे गाड़ी चलाते हैं, तो उन्होंने बताया कि दिन का टेम्परेचर तो अब ठीक है कि मैं शॉर्ट्स में ही घूम रहा था, पर रात को बहुत ठंडक होती है। लेकिन 2019 में जब मैं आया था तब दिन में भी ठंडक थी। मतलब 4 साल के 5 साल के अंतराल में कितना डिफरेंस, वो भी टेम्परेचर में, हद है। एरिया को मैं ज़्यादा कवर करूँगा, मे भी शायद नीचे जो ऋषिकेश से पहले वाला है वो मैं ज़्यादा कवर ना करूँ। तो सा गिराहा आया था तो हमें वहाँ से राइट लेना है, मतलब लिखा हुआ है वो किसी दूसरे गांव के लिए जाता है। तो हम आ जाएंगे इधर चौपटा वाले इस वाले रास्ते पे।
दोस्तों देख लियो तो चले चले मिलते हैं आपसे बाइक पर। कैसी लगी जर्नी ये भी बताना कमेंट में। तो दोस्तों कैसी लगी है जर्नी सुबह की? थोड़ा टायर्ड तो हो चुका हूँ, मौसम भी बारिश बादल से लग गए हैं क्योंकि 3 बजने वाले हैं और 3-4 बजते ही मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर ऊंचाई पे, है ना, तो थोड़ा सा भगाते हैं। भगाना तो क्या है, भागेगी है नहीं, मोड़ी इतने क्या करें। आराम से क्या कर रहे हैं विकास कंबोज? इस रास्ते की खास बात ये है ना कि आप मतलब 5 टर्न लेते ही इतने ऊपर पहुंच जाते हो। वो गाना है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अभी दिखाता हूँ आपको। वो नीचे से आए हैं अब यहाँ पे पहुंच गए देखे। चलिए अब उसी पहाड़ी में पीछे की तरफ से नीचे आ रहे हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, मैं फैमिली के साथ आया था, तब यहाँ पर मुझे मतलब ये लगा लीजिए पूरे उसमें मुझे 2 गाड़ी मिली थी, लेकिन यहाँ पे भी होमस्टे काफ़ी है, गच्छा बसा हुआ गांव है और यहाँ से चोपटा रह जाता है 24-25 किलोमीटर, 24 पता नहीं 28 किलोमीटर ऐसे ही है। और बाकी आपको अपडेट करता हूँ, अभी तो सीधा ही रास्ता है, साइन बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पर, तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। लिखा हुआ चोपटा चोपटा चोपटा, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई अभी तक। तो कुछ रहता तो आप पूछ ले किसी से भी तो सब बता देते हैं। तो 28 किलोमीटर तो दिक्कत पहले 5 साल पहले नहीं थे बोर्ड, पूछ के गया था ये तो मुझे मालूम है, लेकिन अभी हर जगह लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए बारिश हुई है, सड़क ना गीली हो रखी है, मतलब बारिश होके जा चुकी है। सब भोले बाबा जी की कृपा है, किस काम हो गया, हम आए तो ठंडक मिली। ये आग लगा रखी थी जो दिख रही थी नीचे से, देखते हैं अभी। बीच से निकलते हुए हम पहाड़ी की बिल्कुल ऊंचाई पर आ चुके, लीजिए आपको दिखाता हूँ देखिए।
ये देखिए, ये लग रहे थे ना पहाड़, और अब देखिए वो देखिए वहाँ नीचे कितना नीचे रखा। चलिए चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। The Meadows। तो इससे ऐसे पॉल्यूटेड ना होने दे, उत्तराखंड गवर्नमेंट को इसका इनका भी करना चाहिए कुछ। ये देखिए लोग आते हैं स्वच्छ हवा लेने के लिए, और यहाँ देखिए लोग सिगरेट पीते हैं, और ये देखिए डीजल वाहन। लगता है कि अच्छा खासा जमावड़ा है। जय श्री राम। बनिया कुंड में आपका स्वागत है। वो आपका जहाँ तक मेरा विचार है वही है, ट्रैकिंग के लिए है। तुम नाचिक है, ये देखिए चोपटा में आपका स्वागत है। वो देखिए ऊपर कुछ इस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से। ये देखिए ये कॉटेज है, ये दो रूम है, और ये थोड़ा हाथ वहाँ सेकने के लिए। सो दोस्तों चलिए आपको रूम टूर करवाता हूँ जो फौजी साहब ने मुझे दिया है। चलिए आपको रूम टूर करवा देता हूँ। ये कुछ ऐसा व्यू है, ये रूम है, ये बेड है तो अभी जो मैंने फैला दिया है, और ऊपर जो ऊपर भी है जाने के लिए लिखा हुआ कृपया गंदगी ना फैलाएं, और ये वॉशरूम है अच्छा बड़ा। ठीक है ठीक है यार, और क्या चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे हालात है तो 2000 मिल गया बहुत है, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। चोपटा में बहुत लोग आने लगे हैं, तो अभी के लिए तो बस आज मैं थोड़ा सा भी आराम कर लेता हूँ, और